अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुश आमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान रिक्चर्स में। मैं करता हूं सब बढ़िया होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आप लोग का होस्ट कुदरत, मैं हुसैन अफगान, और खान सर की एक बार से फिर वीडियो आई है। वीडियो अभी तकरीबन एक घंटा तो नहीं हो गया होगा, इसकी वीडियो आई है कि व्हाई इंडिया नॉट सपोर्ट इजराइल इन यूएनओ, इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट गाजा स्ट्रिप जेरुशलम। तो अच्छा, यूएनओ में भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हुआ है। ये इसलिए बिग न्यूज है कि वाई इंडिया, क्योंकि इंडिया और इसराइल की जो है रिलेशन बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि वैसे तो जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं इसराइल, या लोग भी ये कहते हैं कि इंडिया इसराइल को ही सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन खान सर क्या जो ऑफिशियली जो है इंडियन गवर्नमेंट से अभी तक ये नहीं कहा है तो कि हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके ऊपर वीडियो आई है, देखते हैं। खान सर की वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है, दो पार्ट में इसको अपलोड करेंगे। हाँ, ये बात याद रखिए, क्योंकि अभी नेटवर्क इशू होता है, इस वजह से हम लोग दो पार्ट में इसको आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एक पार्ट आज एक पार्ट कल। यस, तो आज करते वीडियो को करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है लाइक भी जरूर किया करें। अगर सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। भारत और इजराइल के बीच इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद ही जब यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई तो भारत ने इजराइल का साथ न देके फिलिस्तीन का साथ दिया और कहीं ना कहीं एक बीच बचाव का रास्ता करता अपनाया। क्या इससे भारत और इजराइल के रिश्तों पे कोई असर पड़ेंगे, और क्या तुर्की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देश की मध्यस्थता से फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष विराम कर पाएगा कि नहीं, इसको समझते हैं। यूएनओ में जो भारत के राजदूत हैं TS Trimurthy, इन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर कहा है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं, चाहे वो हमास द्वारा दागा जा रहा रॉकेट क्यों ना हो, उसमें एक भारतीय की भी मृत्यु हो गई है, वो इसका विरोध करता है। साथ ही इजराइल द्वारा जो नागरिकों के ऊपर जो बम्बार्डमेंट में जो उनकी जान जा रही है, भारत उसका भी विरोध करता है, ये इनका स्टेटमेंट। साथ ही भारत ने वो स्टेटमेंट दिया जो इजराइल को पसंद नहीं है। भारत ने कहा कि भारत वहां दो राष्ट्र देखना चाहता है, इजराइल भी और फिलिस्तीन भी, जबकि इजराइल का कहना है कि हमारा पूरा और फिलिस्तीन का। खैर, फिलिस्तीन इस मैटर पे अब मान गया है कि हमें थोड़ा सा भी दे दो, क्योंकि उनको तो पूरा भगा दिया। दूसरा, भारत ने कहा कि जो जरूसलम की पुरानी स्थिति है, यानी यूएनओ के हिसाब से जितना इजराइल ने बाद में ऑक्यूपाई किया है, वो पुरानी स्थिति को ही भारत वापस स्थापित करना चाहता है। इस हिसाब से भारत, आप कहेंगे तो, फिलिस्तीन के ओर में अपना सुझाव दिया है। इवन मोदी जी के नेतन्याहू के साथ इतनी गहरी दोस्ती, अक्सर आप पिक्चर्स इनके देखे होंगे या फिर मोदी जी जब वहां गए थे तो ये सब काफी गहरी दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन जब तक पीएमओ ऑफिस से इनको फोन नहीं जाएगा वो ये अपने मन से वहां स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इन्होंने स्पष्ट बोला है वी स्ट्रांगली सपोर्ट फिलिस्तीन। स्ट्रांगली देखो, ये खुद ही कह रहे हैं। ग्रेट यार, to the two state solution. I thank you, Mr. President. हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की भूमि लौटा देनी चाहिए। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। फिलिस्तीन है उनके, फिलिस्तीनी है उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं और इस कदम पर क्यों जाते हैं, हम इजराइल का साथ क्यों नहीं दे पाते, तो इसकी कुछ मजबूरियां हैं, तीन चार मजबूरियां, उसको हम लोग आगे समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल का साथ देता हुआ दिखा, जबकि चाइना इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। चाइना ने इस मुद्दे को उठाया यूएन की काउंसिल में, जो वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी यहाँ पर, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे को दबा दिया। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को बदला लेने का, अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार। और इधर इजराइल इस इशारे को समझ गया कि मतलब गाजा पट्टी का पूरी तरह से धो डालो यहां पे। चाइना को बहुत बुरा लगा। अब चाइना को भी समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान वालों को भी बुरा लगता है जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी संगठन में घोषित करना चाहती थी, लेकिन चाइना के विरोध की वजह से इसे आतंकवादी संगठन और रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी कर पाया, जिस वजह से ये लोग पाकिस्तान से इजीली ऑपरेट करते हैं। जब इनके ऊपर आता है तब समझ में आता है कि दूसरे के टांग नहीं लड़ाना चाहिए। फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में दुनिया के अलग अलग देशों का
अलग अलग रुख है। जो हमारा देखिए चाइना जो है वो हमास नामक हमास जो आतंकवादी संगठन है उसे चाइना आतंकवादी संगठन नहीं मानता है, पाकिस्तान नहीं मानता है, खैर ये लोग मानेंगे भी क्यों, लेकिन नॉर्वे भी नहीं मानता है। और रूस का तो अलग ही कहना है, रूस का कहना है कि फिलिस्तीन और इसराइल दोनों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। रूस का कहना है कि अगर दुनिया का सबसे एडवांस देश जो रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन एडवांस है, जिसके पास आयरन डोम जैसी टैंक जहाज नेवी एयरफोर्स हर तरह की सेना है, उसे अगर आत्मरक्षा का अधिकार है तो फिर फिलिस्तीन को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर हम हमास की बात नहीं करते हैं, अगर मान के चले ये बात, देखिए ये रूस के हिसाब से इनका कहना है कि अगर हम हमास को हटा दें तो फिर फिलिस्तीन के पास आत्मरक्षा के लिए पत्थर और लाठी के सवार कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से रूस का कहना है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मान रहा है। रूस पार्शियली ये कहना चाहता है कि ये लोग मतलब अपने फिलिस्तीन के जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सबसे आगे आगे कूद रहे हैं तुर्की के प्रधानमंत्री तैयब अर्दोगान। इन्होंने इमरजेंसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बैठक बनाई जिसमें 57 देश कुछ भी नहीं हुआ। इनका कहना है कि यूएनओ ने 2018 में एक रिजोल्यूशन पारित किया था जिसका मतलब होता है कि एक छोटा कानून बनाया था कि जेरूसलम या फिलिस्तीन की रक्षा के लिए एक रक्षा संगठन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आर्मी संगठन। तो इनका कहना है कि इस्लामिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक देशों का, इन 57 देश को मिलकर आपस में एक फौज बनानी चाहिए जो इसराइल पर हमला करने के लिए ना हो बल्कि फिलिस्तीन की रक्षा करने के लिए हो। अब ये वाला जो एरिया है ये गाजा, ये वाला वेस्टर्न बैंक है और ये वाला गाजा पट्टी है, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है। तो इनका कहना है कि फिलिस्तीन की रक्षा के लिए। अब इन्होंने आइडिया दिया तुर्की के कि भैया हम जो तुर्की वाले हैं हम सर्वलांस रडार दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, एयरफोर्स दे सकते हैं। ये अरब वाले जो हैं इस जो संगठन जो आर्मी बनेगी उन्हें ये लोग पेट्रोल फ्यूल वगैरह मुहैया करा सकते हैं, पैसा वगैरह ये लोग के पास बहुत ज़्यादा है। अल जजीरा न्यूज चैनल है, इनके लिए मीडिया का काम हो ही जाएगा। अफ्रीकी देश है, देखिए ये 57 देश है, इसमें इतने जितने देश दिख रहे हैं ये वाले ये सब के सब इस्लामिक कॉरपोरेशन के मेंबर हैं। रूस जो है एब्जॉर्बर है, मतलब इसमें भाग लेता है। तो इनका कहना है कि हम लोग अफ्रीका के देश से सैनिक बुला लेंगे। तो इनके पास सैनिक हो गया, हथियार हो गया, पैसा हो गया, मीडिया हो गया, और पाकिस्तान है ये वो आतंकवादी प्रोवाइड करा देगा। तो इस हिसाब से इनका कहना है कि हम लोग क्या करेंगे और उस आर्मी को यहाँ डिप्लॉय करेंगे जो कि इससे लड़ाई लड़ सके, फिलिस्तीन की रक्षा कर सके। और इसमें खतरनाक कब होगा, अगर तुर्की के पास जो S-400 है वो वेस्टर्न बैंक या गाजा में डिप्लॉय कर देता है तो फिर इतना कन्फर्म समझिए कि इसराइल का एक भी जहाज नहीं उड़ सकता है, क्योंकि हम लोग खुद ही से S-400 खरीद रहे हैं जो दुनिया के किसी भी हवाई जहाज को 400 किलोमीटर दूर तक मार देता है। तो ये इजराइल के लिए खतरनाक हो लगेगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम दिख रही है क्योंकि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें खुद में आपस में फूट है, क्योंकि तुर्की के खुद के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, बहरीन और कतर के पास भी अच्छे संबंध है, मोरक्को ने भी तुर्की से अच्छा संबंध बना इससे इसराइल से संबंध बना के रखा है। तो थोड़ा थोड़ा तो इनके में खुद में मतभेद है। कभी कभी इस सिचुएशन को देखकर अजीब सा लगता है, देखिए एक और इसराइल है अकेला देश, इधर पूरा और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है, इधर केवल एक देश है, इधर 57 देश खड़े हैं सब अकेला, फिर भी इन 57 की हिम्मत नहीं हो रही है। इसराइल की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 90 लाख है जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी हैं, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है, और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में आ रहे हैं लोग, अकेले चल रहा है, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है लड़ सकने की, ये हम गारंटी देते हैं। कुछ लोगों को जो फिलिस्तीन समर्थक है उन्हें बुरा लगता होगा, और देखिए बात समझिए इनकी दो ये क्या सोचते हैं, इनका सोचना है कि पूरा इसराइल को ख़त्म कर दो, लाख इसराइल को मिटा दो। अच्छा भैया आपको अगर मिटाना है तो देखिए अगर तो आपको फिलिस्तीन वालों से इतनी ही हमदर्दी है तो भारत से सीखिए। पाकिस्तान में भी अन्य धर्मों पर अत्याचार होता था, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, पारसी हो गए इत्यादि, तो भारत ने CAA कानून ला दिया कि जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं भारत में आ सकते हैं। तो इन लोगों को भी अगर इस्लामिक कंट्रीज लोगों को बहुत हमदर्दी है फिलिस्तीनियों से तो आप लोग भी CAA जैसा एक कानून ला दीजिए, वहाँ से जितने फिलिस्तीनी हैं आप कुछ अपने यहाँ रख लीजिए, कहीं कतर में रख लीजिए, दुबई में रखिए, आपके पास जगह की कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं, रख लीजिए। और यहाँ से जब सारे फिलिस्तीनी चले जाएंगे तो यहाँ केवल आपका दुश्मन बचेगा इसराइल, तब मार दीजिएगा धमाधम मिसाइल, मार मिसाइल मार मिसाइल, मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे,
क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक अकेला देश इन सब पर भारी पड़ जाएगा, वहां पे नहीं मार सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी क्या बहाना मारते हैं पता है, ईजान बुझ के चाहते हैं फिलिस्तीनी वहां पर आए सब, क्योंकि उनके आड़ में ये कहेंगे अरे हम इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि हमारे चचू ईजान रहते हैं, उन्होंने को लग जाएगा। देखिए हमें ये दिख रहा है कि एक जमीन की लड़ाई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो अमेरिका उठा रहा है। वो तेल को यहाँ का मिडिल ईस्ट का जितना भी पेट्रोलियम भंडार है उसका पूरी तरह से विदोहन कर रहा है, और इस पेट्रोलियम के आधार पर वो रूस को कमजोर कर रहा है। देखिए रशिया में पेट्रोल पर ही डिपेंड है, रशिया पेट्रोल या फिर हथियार पर डिपेंड है, हथियार के मार्केट में अब रशिया उतना टिका नहीं, तो रशिया सोचता है कि पेट्रोलियम हमारे पास, अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा तो रशिया को फायदा होगा। लेकिन अमेरिका जानता है कि रशिया के पेट्रोल मार्केट को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट जरूरी है, इसलिए वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अगर शांति रहेगी तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अमेरिका कभी भी शांति स्थापित होने ही नहीं देगा, यहाँ पर हमेशा कभी आईएसआईएस होगा, कभी इराक, कभी ये, कभी, ताकि तामझाम यहाँ होते रहे, और इन लोगों को कभी भी अमेरिका रूस के फेवर में जाने नहीं देता है, क्योंकि इन्हें अमेरिका डर दिखाता है इजराइल के माध्यम से। इजराइल कहता है कि भैया अभी हम यहाँ इतने छोटे देश दिख रहे हैं, लेकिन ये मेरा ग्रेटर इजराइल का सपना है, यानी मिस्र को भी ले जाएंगे, सऊदी अरब को, कतर को, इराक को, सीरिया को, ये इसलिए दिखाता है ताकि ये देश डरे रहे और डर के मारे अमेरिका की गुलामी करते रहे, जैसे अमेरिका है जी हजूर यहाँ पे हम राजा हैं जी हजूर यहाँ करते रहे। और अगर ये मिडिल ईस्ट के देश गलती से भी रूस के फेवर में जाते हैं ना, तो अमेरिका को कुछ नहीं करना है, अमेरिका एक बार इशारा कर देगा इसराइल को कि तुमको जितना धोना है धो दो, कि धो धा के जमीन कब्जा कर लेगा। इसराइल ऐसा देश है जिसने कहा है कि अभी मेरा सीमा जो मतलब मेरी देश की बाउंड्री फिक्स नहीं है, ये अभी बढ़ रही है, इसे थोड़ा बढ़ा के यहाँ तक ले आएगा। ये है अमेरिका जिस आईएसआईएस को आतंकवादी बोलता था, अमेरिका जिस आईएसआईएस के लिए इतना दिन लड़ रहा था, आपने देखा होगा कि वो फुल पावर से अमेरिका नहीं लड़ा, क्योंकि वो खुद चाहता था कि आईएसआईएस का मुद्दा लंबा चले, क्योंकि जब तक आईएसआईएस आतंकवादी रहेंगे, इन आईएसआईएस आतंकवादियों को पैसा कहां से आता है, पेट्रोल से आता है, तो ये पेट्रोल को बेचेंगे और सस्ते दाम पर बेचेंगे, तो रूस पेट्रोल जब सस्ता होगा तो रूस की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। देखिए ये आतंकवादियों को चढ़ाकर, इस आतंकवादी की लड़ाई को लंबा करके पेट्रोल का दाम गिरा रहा है ताकि रूस की अर्थव्यवस्था गिर जाए, और बहुत बुरा असर पड़ा है। और अमेरिका की कंपनी खुद इन आतंकवादियों से $8 प्रति बैरल पेट्रोल खरीदती थी, जो कि अगर ओपन मार्केट में देखेंगे तो ₹3.5 प्रति लीटर। हम लोग ससुरा खरीदे लोग ईमानदारी के रास्ता पे ₹100 लीटर पेट्रोल, ससुरा अमेरिका जो क्रूड ऑयल खरीदता है ₹3.5 लीटर खरीद रहा है, इन्हीं आतंकवादियों की कंपनी से खरीद रहा है, वहां की कंपनी आके इसे खरीदती है। अमेरिका यहाँ ₹3.5 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है और दुनिया के दूसरे देशों में बेच देता है, और अपने पास इतना ज्यादा ये प्रूवन ऑयल रिजर्व रख दिया, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखे हुए हैं, जिसके मदद से अगर कभी भी ये मिडिल ईस्ट के देश या खाड़ी देश जहां पर गल्फ कंट्री है जिनके पास पूरी तरह से पेट्रोलियम रिजर्व है, अगर ये लोग कभी भी पेट्रोलियम की सप्लाई रोकते हैं तो इनके पास इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम है कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और बहुत ही चालाकी से अमेरिका जो है वो इलेक्ट्रिक कारों पर, जैसे टेस्ला सुने होंगे, या फिर वहां सेल गैस की टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से धीरे धीरे अमेरिका इन मिडिल ईस्ट के लोगों के ऊपर से पूरी तरह से अपनी डिपेंडेंसी हटा देगा और इनका पेट्रोल पूरी तरह से चूस लेगा। और हम बताते इनका तेल खत्म तो इनका खेल खत्म। ऐसा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन हमेशा से दुश्मन ही रहे थे, 1990 के दशक में ये काफी करीब आ गए थे, और इतना हुआ कि यहाँ के लोगों को नोबल पुरस्कार तक मिला। देखिए अगर किसी देश में आपसी संबंध स्थापित करना है, शांति स्थापित करना है, तो केवल पड़ोसी ही कर सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी आप नहीं बदल सकते। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था, आप दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, इसलिए हमें पड़ोसी से अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। अब इजराइल जो है, इजराइल का यहाँ जो पड़ोसी है वो मिस्र है, इंग्लिश में इसे इजिप्ट कहते हैं, मिस्र। तो मिस्र जो था, मिस्र और इजराइल में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र के कई भागों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दोनों में शांति स्थापित हुई। इजराइल ने कहा कि हम तुम्हें अब तुम्हारी जमीन लौटा देंगे, बदले में तुम इस बात को स्वीकार करो कि हम भी यहां पर एक देश हैं। तो इन दोनों ने स्वीकार किया, और इन समय तक अनवर सादात ये वहां के मिस्र के उस समय शासक थे, मतलब इन्हीं के पास सत्ता थी, लेकिन इनको मरवा दिया गया। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कौन मरवा रहा है इनको। सोचिए जिस इंसान ने शांति स्थापित किया उस इंसान को एसिसिनेट करके प्रधानमंत्री को मरवा दिया गया। उसके बाद देखिए जो ये वाला जगह है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में एक संगठन है पीएलओ। अब ये संगठन कह रही है कि देखो भैया, इसराइल से कहा कि देखो तुम भी जियो, हमको भी जीने दो, ठीक है, हम जितना में हैं हम ही रह जाते हैं, तुम भी खुश रहो।
तो यासिर अराफात जो थे ये नॉर्वे में बैठक हुआ था, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, तो यासिर अराफात ने इसमें बहुत योगदान किया था। तो फिलिस्तीन के इस नेता की बहुत दुनिया में तारीफ हुई कि अब ये खूनी संघर्ष, मासूमों की जान अब नहीं जाएगी, ना इसराइल से कोई मरेगा ना फिलिस्तीन से कोई मरेगा। देखिए ऐसा नहीं कि केवल एक ओर से जान जाती है, इसराइल में भी बहुत लोगों की जान जाती है, लेकिन यासिर अराफात को पोलोनियम नामक जहर देके मार दिया गया। ये कौन मरवा रहा है अभी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद देखिए इसराइल के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जितिन रॉबिन, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने कहा था कि देखिए हम इसराइल वाले, हमें रहने के लिए ज़मीन मिला, हम बहुत खुश हैं, हम ये भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन वाले भी खुशी खुशी रहे, तो हम दोनों आपस में समझौता कर लेते कि ये तुम्हारा एरिया ये हमारा एरिया, उन्होंने एरिया को डिसाइड कर दिया। ये भी इतने बेहतरीन प्रधानमंत्री थे रॉबिन, इनको भी मार दिया गया। सोचिए इसराइल के प्रधानमंत्री जिसके ऊपर एक बम नहीं गिर पाता है, देश का नागरिक सुरक्षित है, उसके प्रधानमंत्री के पास, ये तीनों लोगों को मरवा दिया गया। आप जान के ताज्जुब करेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार कंफर्म अमेरिका। अब कौन मरवाया देखिए, अगर यहाँ शांति स्थापित हो गई तो डर खत्म हो जाएगा लोगों को, डर खत्म हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा तो हथियार कौन खरीदेगा, हथियार का मार्केट चौपट होगा। अब आप बताइए हथियार का सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? अब आपको तो समझ में ही आ गया होगा कि लड़ाई असल में पर्दे के सामने चल रही है जिसे हम और आप देख रहे हैं, अब लड़ाई कोई और लगा रहा है। अब होशियार है, समझ सकते हैं लोग, भाई कुछ गाइडलाइंस होती है, हम लोग हर बात को खुल के नहीं बता सकते, लेकिन आप समझिए अंधेरा खत्म तो टॉर्च बंद हो जाएगा बिकना, उसी तरह अगर युद्ध खत्म तो हथियार के सौदागर लोग का व्यापार चौपट हो जाएगा। इतने बेहतरीन लोगों को, अब सोचिए इतने पास आ गए थे ये दो दोस्त, जब आपस में ये गले मिलते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे यहाँ, लेकिन धीरे धीरे इसमें नफरत घोलता गया और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अब इसराइल और फिलिस्तीन में दूर दूर तक कभी दोस्ती की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि इसराइल ने हमारा हमेशा साथ दिया है। कारगिल की लड़ाई में जब जीपीएस टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई थी तो हाई प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल जो हमें भारत को इसराइल ने ही सप्लाई दिया था, इसराइल ने ही अपना हेरोन ड्रोन दिया है, इसराइल हमें कई टाइप के स्पाइक बॉम्ब वगैरह को प्रोवाइड करता है, हमारे रडार सिस्टम को बनाने में इसराइल बहुत मदद करता है, खास करके डिफेंस सेक्टर में इसराइल बहुत मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल अगर मदद नहीं करता तो हम कारगिल लड़ाई नहीं जीत सकते थे, या इसराइल से बड़ा हमारा साथ ही नहीं है। हाँ इसराइल जरूर है कि वो इस युद्ध के माहौल में भी भारत की मदद कर रहा है, लेकिन कारगिल लड़ाई में उसने बहुत मदद किया था जिसे हम नहीं भूल सकते। लेकिन हमारे अन्य भी दोस्त हैं, जैसे फ्रांस है, रूस है, अमेरिका ने भी बहुत इस हद तक साथ दिया, लेकिन ऐसी हमारी क्या मजबूरी बन रही है जो हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते? बस यहाँ तक जो है स्टॉप कर दीजिए, बाकी जो स्टोरी है वो बाद में बताएंगे, वो रीजन भी हो सकते हैं, पहले भी कुछ रीजन बताया है और लास्ट में भी कुछ रीजन बताया। तो ये वैसे तो फिलिस्तीन और इजराइल की जो है मतलब नहीं बन रही है, मतलब अभी भी मेरे ख्याल में चल रहा है सब कुछ बिल्कुल अच्छा। जिस तरह उन्होंने कहा कि जितना जो भी खेल चल रहा है सारा अमेरिका की ही वजह से चल रहा है, जिस तरह उनके जो मेन इसराइल के जो मेन प्राइम मिनिस्टर था उसको जो है रॉकेट से जो है उसकी गर्ल, मतलब जो फलस्तीन के दो थे प्राइम मिनिस्टर, और वो मतलब इतने नजदीक आ रहे थे क्योंकि मतलब इसराइल जो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, फिर उसके मतलब ये तो मालूमी बात है, तो डेफिनेटली कुछ और बंदा कोई और है जो कि मतलब सब कुछ कर रहा है। वैसे ये सब कुछ हो नहीं चाह रहा है, जो सबको आपको पता है कि खान साहब ने भी कहा कि हम नाम नहीं ले सकते, हम लोग तो बहुत छोटे चैनल वाले ऐसा नहीं है हमारे भी इस तरह गोल कर दे। बाकी जो है क्या मतलब इंडिया क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको इसराइल को, इसके बारे में इससे नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है जिस तरह के कौन सा वाजपेयी पता नहीं क्या वाजपेयी ना, हाँ वो भी पहला मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट, उसका स्पीच था, स्पीच में वो कह रहा है कि हम लोग जो है बिल्कुल इसराइल के साथ नहीं दे रहे हैं, फलस्तीन के साथ देंगे, और अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का एक जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि हम एक फलस्तीन के साथ दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है दोस्ती के एंगल से नहीं देखना चाहिए, इन चीज़ों को जो है धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए, जो सच्चा है जो सही है उसी के देख। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी वही किया है, इसको जो है बिल्कुल जो रियलिटी होता है उसी से देखा गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मतलब ये जमीन फलस्तीनियों की है और मतलब हम स्ट्रॉन्गली जो है फलस्तीन का साथ दे रहे हैं, उन्होंने उनकी जो है अपने मिनिस्टर ने कहा, मिनिस्टर नहीं मतलब वो फॉरेन मिनिस्टर मेरे ख्याल से था, क्योंकि वो बाहर क्योंकि वो बाहर ही होता है, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रॉन्ग जो है फलस्तीन के साथ दे रहे, तो इस वजह से दे रहे, रीजंस भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, अभी रीजंस तो अभी खुद जानते हैं, अभी जो है अभी इसके बाद जो है रीजंस भी बताएगा, इस तरह नहीं है कि मतलब उन्होंने इस वजह से सपोर्ट किया हुआ है और बहुत सारे रीजंस है, तो हालांकि इसराइल ने बहुत ही साथ दिया कहता है, हाँ लेकिन फिर भी इस तरह कर रहे, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, शायद वो इसराइल को भी पता हो किस वजह से इंडिया नहीं कर रहा है वो, तो अभी इसके बाद जो है खास करके हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसकी सेकंड पार्ट पे कल आएगी, ये तो आज रात मतलब अभी
तो हो रही है और दूसरी पार्ट जो हम लोग कल बनाएंगे आप लोगों के लिए शेयर करेंगे, क्योंकि आप पे नेटवर्क का हमारे यहाँ इशू होता है, बहुत ही इशू होता है, इस वजह से अपलोड करने में भी मुश्किल होती है, एडिट करने में भी मुश्किल होती है, तो इस वजह से हम लोग इसके सेकेंड पार्ट जो है कल आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो बाकी जो मेन रीजंस है वो इसके बाद आएंगे, देखते हैं क्या रीज़न हो सकते हैं। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अगर इजाज़त दीजिएगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल लाइक जरूर क्या करें ताकि पता चले मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।